Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो मैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं भी हूँ वैष्णो देवी में। आपने मेरे लास्ट लोग अगर देखा हो तो मैं वैष्णो देवी से, और देखो मेरे पीछे दिख रहा है आपको पहाड़, वहाँ पर ऊपर जाके वैष्णो देवी जी का मंदिर है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है। तो हम वहाँ से आ चुके थे नीचे कल रात को ही, नहीं मैं तो कल शाम तक आ गया था नीचे। हम ऊपर चढ़े थे परसों रात को और कल शाम तक नीचे आ गया था मैं माता के दर्शन करके। तो अब मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ, रेडी होके बाहर आ गया। सब सो रहे थे अभी तक तो, क्योंकि सब रात भर से सो रहे हैं, इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं सब, इतने खराटे ले रहे थे भाई। आज मैंने पहली बार खराटों के अलग अलग साउंड सुने हैं कि ऐसे ऐसे भी होते हैं जो भी है, और सब सो रहे थे तो मैं इसलिए आ गया बाहर। तो यहाँ देखो मेरे पीछे सारे फूड स्टॉल है, सब पे मैगी या आलू के परांठे, परांठे बहुत तरीके मिलते हैं, चाय। तो मैं अभी नाश्ता कर लेता हूँ, सुबह से मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि फ्रेश हो चुका हूँ ना, अब मैं नाश्ता आराम से कर सकता हूँ। और आज हमें निकलना है अमृतसर, तो हमारी बस 10-11 बजे अमृतसर के लिए निकल लेगी। तब तक मैं नाश्ता करता हूँ, फिर थोड़ी देर में चलेंगे अपने होटल पे। तो मैंने यहाँ से आलू के परांठे मंगाए दो, और हाथ में रायता है, छोले की सब्जी है। तो आलू के परांठा खाते हैं, पियेंगे चाय साथ में। तो मेरे आलू के परांठे आ चुके हैं, छोले की सब्जी और रायता, नाश्ता करते हैं अभी। तो मेरा खाना पीना तो हो गया, आपकी चीज़ दिखाऊँ। तो देखो धूप अभी नहीं निकली कहीं भी, पर उन पहाड़ों पर जो धूप लगती है ना गाइस, सब प्यारा लगता है देखने में। तो गाइस मैं होटल पे आ गया था उस वक्त, पर मैं ब्लॉग करना भूल गया, मैं आधी सो गया था। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:47 और मेरे साथ बैठा है विशु। हाय गाइस। और हम लोग अभी निकल रहे हैं, और इन लोगों का प्लान बनाया आज जाने का शिव की पौड़ी। तो अभी सब निकल रहे हैं, देखो सब रूम खाली हो चुका है, बैग मेरा बाहर चले गया है, तो बताना भूल गया था। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। तो बैग वगैरह ले लिया है और अभी जा रहे हैं बस की तरफ, बस में सारा सामान रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब मैं तो भाई आते ही सो गया था, बहुत तेज नींद आई पता नहीं क्यों, सही है थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई, अब थोड़ी बहुत ही है बस। अरे वाह भैया, जय माता दी। अब चलते हैं, सामने खड़ी हमारी बस उस तरफ, चल भाई विशु। बस में हम बैठ चुके हैं, हमारी बस अभी निकल चुकी है यहाँ से। अब पहले जाएंगे हम शिव की पौड़ी बता रहे हैं ऐसे मामा जी मेरे को, उसके बाद जाएंगे अमृतसर। तो अमृतसर मतलब आज पहुँच जाएंगे लगभग, शायद जैसे भी है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, अभी देखते हैं जो जैसा होगा, जैसे आप सुबह देखते हैं। चलिए पहले यहाँ से जय माता दी। हम निकल चुके हैं वहाँ से, और हमें निकले हुए कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया है। और उससे पहले मेरे को मामा जी ने बताया था कि शिव की पौड़ी जा रहे हैं, शिव की पौड़ी नाम की था उसका, शिव पौड़ी नाम है। तो हम शिव पौड़ी जा रहे हैं, और यहाँ से भी लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता, क्योंकि ना रास्ते आपने देखे होंगे बहुत तो ख़राब रास्ते हैं, और लैंडस्लाइड भी ऐसे होता रहता होगा यहाँ पर तो, और रिवर्स दिख रही है सारी, ऊपर चट्टानें टूट टूट के नीचे गिर रखी है, छोटे छोटे रास्ते हैं तो आपने देख लिया हो। तो ऐसे रास्ते से हम अभी जा रहे हैं, तो वैसे 1 घंटा का रास्ता है, पर ऐसे रास्तों से 2 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद वहाँ की फिर चढ़ाई होगी, वो देखेंगे, वो देखेंगे। ऐसे मैं तो फर्स्ट टाइम पे जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम पे चला के मैं हूँ, लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ मैं ये सब। कह रहा था कि यहाँ से 1/2 घंटे का रास्ता बचा शिवकोड़ी का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं था जिंदगी में, और पहली बार ऐसे नज़ारा देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये आने वाले ब्लॉग्स अच्छे होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, कि ये भी देखना है, वो भी देखना है, और फिर लाइन से जा रहे हैं। तो मेरा वापस जाने का ट्रिप बनेगा 30 तारीख को, उससे पहले आपको ऐसी चीज़ दिखा दूँगा ना मैं
मैंने खुद ही सोची थी, तो लेट्स वेट एंड वॉच। और उसके बाद हमें करने चढ़ाई शिवकोड़ी पहुँच के, एक घंटे की शायद चढ़ाई है, दो घंटे की पता नहीं मुझे। तो आज भोलेनाथ के भी दर्शन करके जाएंगे। ये देखो इसने लीड लगा रही, कुछ मतलब नहीं है इसे, इसको मेरी आवाज़ भी नहीं हंस रहा है। विश्व यहाँ देख, ये देख, इसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही पर हंस रहा है, वीडियो में देख रहा है। तो वैसे भी ऐसे ऐसे रास्ते आ रहे हैं, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, सॉरी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे पत्थर गिरे हुए हैं, नीचे खाई है, देखो इस तरफ पूरी, इस तरफ नीचे खाई है, आपको दिखाया मैंने, बहुत डर लग रहा है। माता का नाम चालू हो गया, डर के मारे भोलेनाथ के भी नारे लग गए थे, जय भोलेनाथ कुछ ना हो बाबा जी, है ना। डर है थोड़ा सा, नीचे पूरी खाई है और रास्ते बड़े है कच्चे हैं आगे। तो वैसे भी किसी ने ऐसे है कि अभी यहाँ बस रुक जाएगी और उसके ऊपर ही अली बस जानी पाएगी, क्योंकि लंबी बस है तो छोटी बस जाएगी, उसके ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर और जाना है हमें। भगवान की अभी अनाउंसमेंट करेंगे आप लोगों को ना, पहले पार्किंग से पहले उतार देंगे हम, नीचे पार्किंग में उतारेंगे ना आपको 1 किलोमीटर फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से छोटी गाड़ी जाती है, ठीक है 10 रुपए सवारी लेते हैं, 2 किलोमीटर आपको ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है ना। आप सीधा यात्रा गुलशन भाई लगा देना यही कोने पे, आप यहाँ से यात्रा करने जाओ, ठीक है ना, एकदम खाना वाना आपको बनवा रहे हैं, आप आओ 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, ठीक है ना। बुजुर्ग वगैरह जो रुकना चाहो बस में रुक जाए, बच्चे वगैरह सब जो भी रुकना चाहे यहाँ रुक जाए, बाकी लोग जाके दर्शन ले जाओ, जय बोले। अब यहाँ से मैं उतर के छोटी बस लेनी पड़ेगी, वो जाएगी ऊपर 2 किलोमीटर और, फिर 3 किलोमीटर की है चढ़ाई, वो करनी है भोले बाबा का मंदिर, जय बोले। तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं और इससे ऊपर हमारी बस नहीं जा पाएगी, हमारी बस थोड़ी लंबी है ना, तो उससे ऊपर नहीं जा पाएगी, तो ये जाएंगे छोटा हाथी। वैसे हम लोग छोटा हाथी बोलते हैं इनको, बहुत सारे नाम दे रखे लोगों ने, जो मर्जी बोलो। तो ये जाएगी ऊपर, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर और है, उससे ऊपर और भी 3 किलोमीटर चढ़ाई ऊपर हो रहा है, वो खुद करेंगे, वो पैदल पैदल फिर चलते हैं। और मैंने हुडी यहीं बांध ली, अभी धूप हो रही है, आते हुए ठंड हो जाएगी। और गाइस यहाँ का व्यू इस समय कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो इस तरफ से आए थे हम, हमें ऊपर जाना है, तो इसीलिए बस वाले भैया ने बोला है जल्दी आना, जल्दी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि रात को रिस्की रहता है बहुत ज़्यादा। छोटा हाथी में तो बैठ गए, चलते हैं फटाफट। तो अभी हम छोटा हाथी से भी उतर चुके हैं और अभी यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, देखो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको थोड़ा समय। और अब यहाँ से आगे जाना है और वहाँ से होगी अब स्टार्ट हमारी चढ़ाई, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, अच्छा जाएगा, बाबा के दर्शन होंगे आज। मेरे को वैसे ये था नहीं कि वैष्णो देवी के बाद, माता रानी से मिलने के बाद भोले बाबा से मिलने का मौका मिलेगा, सही है, बढ़िया है, भगवान की कृपा बरसी रही मेरे ऊपर। चलते हैं, चलो मामा जी आज चश्मा खरीद रहे अपने लिए। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, दूर दूर तक के दिख रहे पहाड़, देखो हमारे इस पहाड़ लग रहे हो। तो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से जाना है, मैं आगे यहीं से जाना है, पता नहीं सब आगे चले गए वैसे तो। तो गाइस हम अभी हमारी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, और देखो पीछे इतनी प्यारी नदी है ना, इतना अच्छा व्यू आ रहा है इस तरफ, देख सकते हैं आप। हाय हाय हेलो। यहाँ अभी डिबेट चल रही है कि घोड़े कितने पैसे लगेंगे ऊपर जाने में, सबसे बढ़िया अपन है, अपन जाएंगे पैदल, सबसे बढ़िया। हम स्टार्ट करते हैं अपनी चढ़ाई, क्योंकि वैसे भी 3 किलोमीटर है तो 1 घंटा तो लगभग हो ही जाएगा। देखो यहाँ तो कितने सारे खच्चर घोड़े हैं, तो अभी ले रहे हैं पहले ऐसे 2 बैठ पे घोड़े, मामा जी कह रहे हैं पहले पेट पूजा फिर काम पूजा फिर काम पूजा, तो पर हमारा कुछ काम नहीं है, तो बाबा से मिलने जा रहे हैं। कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं वो ना, मतलब पहाड़ ऐसे एरिया बहुत पसंद है, मतलब मेरे को प्यार सा हो गया भाई अब तो, अब तक मेरे को रोज़ मौका मिले ना आने का तो हर हफ्ते आ जाऊँ मैं तो ऐसे। पर शिवकोड़ी केव 3.5 किलोमीटर और पौनी काउंटर 100 मीटर,
चलते हैं अब आगे। ओहो हो हो इस कुंड का नाम है अंजलि कुंड और यहाँ पर सब मछली को डालते चारा वगैरह, चारा यहाँ से खरीद के डालते हैं, चारा सब डालते हैं। वैसे सर देखो लिखा भी है अंजलि कुंड शिव गंगा।